मास्टर कैम के इस वीडियो में हमारा जो वीडियो है 11th ट्यूटोरियल का सीएनसी लेथ 11th ट्यूटोरियल का पार्ट 5th है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पार्ट के लिए बैक साइड ऑपरेशंस। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से इस पार्ट को हम कट ऑफ कर सकते हैं, कट ऑफ करने के बाद बैक स्टॉक फ्लिप कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक एज ड्रिलिंग एंड बोरिंग एंड थ्रेडिंग। तीनों ही ऑपरेशन है वो आईडी के ऑपरेशन हैं। तो आईडी थ्रेडिंग के बारे में समझने वाले हैं आप, आईडी बोरिंग के बारे में समझने वाले हैं एंड ड्रिलिंग के बारे में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ किस तरीके से आईडी के ऑपरेशंस के लिए टूल को सिलेक्ट किया जाता है, टूल्स को कस्टमाइज़ किया जाता है, वो सब चीज़ें भी इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक ये हमारा ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है। देन पहले हमारा जो था छोटा साइज का ड्रिलिंग का ऑपरेशन हुआ। देन हमारा एक और इससे लार्ज साइज का है। तो मैं जो आपको ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है किसी को, तो ड्राइंग का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो ड्राइंग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में मैं अभी आपको यहाँ पर भी एक बार ड्राइंग दिखाने वाला हूँ। तो ड्राइंग देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको देन यहाँ पर बोरिंग का ऑपरेशन चल रहा है, तो बोरिंग के ऑपरेशन को यदि मुझे देखना है तो मैं इस तरीके से देख भी सकता हूँ यहाँ पर। पहले रफ बोरिंग एंड देन फाइनली फिनिश बोरिंग एंड देन लास्ट एंड फाइनल ऑपरेशन फाइनली थ्रेडिंग का ऑपरेशन है हमारा। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आप देखने वाले इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारी इस पार्ट के लिए ड्राइंग है जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग का डायमीटर कितना, 9.6 mm, जो डीप जाएगा 82 mm। तो सबसे पहले मैं टूल क्रिएट कर लेना 9.6 डायमीटर का टूल जो कि 82 mm डीप में जा सके। देन हमें एक और टूल क्रिएट कर लेना है इस एरिया के लिए जिसका डायमीटर हो 11.4 mm, जिसका डीप हो 65.0 mm से ज़्यादा डीप में जा सके। तो हमें इस तरीके के दो टूल क्रिएट्स कर लेने हैं। देन यहाँ पे हमें थर्ड वन ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, वो है आईडी बोरिंग। तो यहाँ पे थर्ड वन ऑपरेशन है हमारा आईडी बोरिंग एंड लास्ट एंड फाइनल ऑपरेशन है थ्रेडिंग। सो पांच और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन समझने वाले इसमें। सबसे पहले ड्रिलिंग, देन सेकेंड वन ड्रिलिंग, आईडी रफ, आईडी फिनिश एंड लास्ट एंड फाइनल थ्रेडिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मास्टर कैम के अंदर। जो मेरे पांच ऑपरेशंस थे उन्हें सबसे पहले मैं कर लेता हूँ डिलीट। डिलीट करने के लिए क्लिक करूँगा डिलीट पर। देन सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है हमारा ड्रिलिंग का ऑपरेशन। सबसे पहले मैंने क्लिक किया ड्रिल पे और यहाँ पे मैंने टूल को कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी टूल बना करके सेट करके रखा हुआ है। आप भी चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टूल हैं जैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टूल ले लिया। पहला जो टूल है मेरा 9.6 का है। यदि आप टूल को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, एडिट टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर टूल के जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहला टूल ले लिया जिसके लिए मैंने फीड दे दिया 0.1। स्पेंडल स्पीड जो है सबसे इजी मेथड होता है 7000 डिवाइडेड बाय ड्रिल डायमीटर। तो ड्रिल डायमीटर है अभी मेरा 10। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रिल की स्पेंडल स्पीड आ जाएगी। देन मुझे यहाँ पे कमेंट लिख देना है। अभी मैं कमेंट लिख दूंगा ड्रिल 9.6। देन यहाँ पर मुझे दे देना रेफरेंस पॉइंट। जब हम बात करते हैं ड्रिलिंग के लिए रेफरेंस पॉइंट तो हमें एक्स में कुछ भी नहीं देना है, जेड में प्लस में 10 की वैल्यू दे देना है एंड देन सेकेंड वन ओके। देन हम बात करते हैं कटिंग पैरामीटर्स के बारे में फॉर द ड्रिलिंग ऑपरेशन। जब हम ड्रिलिंग में कटिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें डेप्थ दे देनी है जो हमें एज पर ड्रॉइंग, जैसा हमें पता है कि ड्रॉइंग में डेप्थ है हमारी 82 mm। तो यहाँ पर हमें क्लिक करेंगे डेप्थ पर और जो टूल जाना है वो जाना है यहाँ तक। तो इसमें थोड़ी सी हमारी जो डेप्थ आगे बढ़ जाती है जिसका अर्थ है कि टूल है जो हमारा आगे बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है।
अब हम जो ऑपरेशन है करने वाला पिक ड्रिलिंग। पिक ड्रिलिंग का अर्थ है कि टूल हमारा जाएगा देन एग्जिट, फिर डीप, फिर एग्जिट। इससे टूल लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। देन जो नेक्स्ट वन है टील, टूल के अंदर सबसे पहले रहता है पिक डिप। फर्स्ट पिक का अर्थ हो गया कि कितना आपको फर्स्ट में डेप्थ लेना है, देन कंटिन्यूसली आपको कितना डेप्थ आप कट लेते हुए चलना है, देन मुझे क्लिक कर देना ओके पर। तो जैसा आप देख पा रहे जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया हमारा ऑटोमेटिकली वर्क पीस कट हो चुका है एंड आपको ऑपरेशन सीधा दिख रहा होगा कैसा बना है। देन फिर से मुझे करना है ड्रिल पर क्लिक, दूसरा टूल सिलेक्शन करना है, डेप्थ, स्पेंडल स्पीड और यहाँ पर लिख दूंगा ड्रिल। ध्यान रहे फीड हमारी हमेशा ड्रिल में रहती है 0.1। कमेंट में लिख देना हमें ड्रिल 11.4 mm। देन हमें रेफरेंस पॉइंट दे देना है जेड 10.0। ओके ओके। देन हम बात करते हैं पिक ड्रिलिंग, डेप्थ डेप्थ एंड क्लिक कर देना ओके पर। तो अब ओके पर क्लिक करने पर जैसा आप देख पा रहे कि हमारा पूरा वर्क पीस यहाँ से यहाँ तक नहीं कटा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ मैं आपको बेहतरीन। इसके लिए फिर से क्लिक करना है पैरामीटर पर और यहाँ पर कैलकुलेशन वाले पेज पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है एंड फिर रीजनरेट कर लेना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारा जहाँ तक कट होना चाहिए था वहाँ तक कट हो चुका है। देन नेक्स्ट वन ऑपरेशन जो है हमारा वो है आईडी के अंदर रफिंग एंड देन फिनिशिंग ऑपरेशन। आईडी के अंदर रफिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें क्लिक करना है आईडी के अंदर रफ। इसके लिए हम क्लिक करेंगे रफ पर। जैसे ही हम रफ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होता है। हमें सबसे पहले चेन सिलेक्शन करनी है, फर्स्ट चेन एंड देन सेकेंड चेन, देन हमें क्लिक करना है ओके पर। जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया है तो जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा टूल सिलेक्शन का पेज ओपन हो जाता है। तो मुझे इसके लिए सिलेक्शन कर लेना है टूल, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टूल क्रिएट कर रखा है तो मैं इसके लिए टूल ले लेता हूँ ये वाला। कि आईडी के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है आपको ये टूल लेना ही पड़ेगा। देन मुझे यहाँ पे दे देनी है फीड, साथ ही दे देनी है मुझे प्लंज फीड, दे देना मुझे स्पेंडल स्पीड और मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड। अब मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ आईडी रफ और साथ ही मुझे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी प्रोवाइड कर देना है। यदि आप इनमें से किसी भी ऑपरेशन के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो लिंक वीडियो मिल जाएंगे आपको। देन यहाँ पे हमें डेप्थ ऑफ कट दे देना है, जितना आपको डेप्थ ऑफ कट रखना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम डेप्थ ऑफ कट रखना चाहते हैं 0.5, स्टॉक टू लीव ऑन वॉल 0, स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर 0। अब हमें ध्यान देना है कि आईडी के बाद हम रफिंग के बाद फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके लिए स्टॉक छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम डायमीटर में स्टॉक छोड़ देते हैं 0.5 और फेस में छोड़ देते हैं 0.05, अर्थात की 50 माइक्रोन और यहाँ पर 500 माइक्रोन। देन हमें यहाँ पर क्लिक करना यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब कभी भी आप बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर लीड इन एंड लीड आउट पर क्लिक करना है, लीड आउट, और यहाँ पर हमें वैल्यू दे देना है 0.5। लीड आउट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जब आपका टूल बोरिंग के लिए जाएगा तो बोरिंग के बाद जाने के बाद कितने mm रिट्रैक्ट होगा उस चीज़ को हम लीड आउट में कंट्रोल करते हैं। तो कटिंग होने के बाद रिट्रैक्ट कितना होगा बैक साइड 0.5, अर्थात 500 माइक्रोन। तो इससे बेनिफिट क्या रहता है कि पीछे की तरफ टूल टकराता नहीं है और आपका टूल जो है सेफली कटिंग करके आ जाता है। देन मुझे क्लिक करना है ओके एंड ओके। अब रफिंग के बाद मुझे फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा फिनिश, चेन सेलेक्शन, लास्ट चेन, ओके, टूल सेलेक्शन, फीड, मैक्सिमम फीड और यहाँ पे आईडी फिनिश। देन मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है रेफरेंस पॉइंट, सेलेक्ट, ओके ओके ओके, लीड इन लीड आउट, लीड आउट 0.5, ओके ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमारे दोनों ही ऑपरेशन फिनिशिंग के लिए भी बन चुके हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो आपने मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखा होगा जिसका रीज़न क्या रहा होगा, आईडी थ्रेडिंग ऑपरेशन। तो आइए मैं आपको डीप में समझाना चाहूँगा कि आईडी थ्रेडिंग ऑपरेशन किस तरीके से हम इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। जैसा आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं
हमें यहाँ पे थ्रेड बनाना है M27 इंटू 2.2 का, जिसका डीप है 10 mm। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ मास्टर कैम की इस फाइल पे, देन मुझे क्या करना है, जाना है थ्रेड में। थ्रेड में जाने के बाद अब मुझे थ्रेडिंग का टूल सिलेक्शन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थ्रेडिंग का टूल सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पर मुझे दे देनी है स्पिंडल स्पीड। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे इसे टूल को स्पिंडल स्पीड प्रोवाइड कर दी है। स्पिंडल स्पीड देने के बाद अब मुझे आ जाना है शेप में। यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे थ्रेड का शेप देना है या शेप बताना है। तो इसके लिए जो पिच वैल्यू है वो हम जानते हैं कितना हमारा 2.2। देन यहाँ पे हमें लिखना मेजर डायमीटर एंड माइनर डायमीटर। तो इस एरिया में वर्कपीस के लिए जो मेजर डायमीटर है वो था हमारा 27 एंड माइनर डायमीटर वो था हमारा 24.5। तो ऑटोमेटिकली हमने सभी वैल्यूज़ को लिख लिए हैं। अब यदि आप में से किसी को भी कन्फ्यूजन है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, माइनर डायमीटर कहाँ से आया, मेजर डायमीटर कहाँ से आया, तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी ड्राइंग के अंदर दे रखी है। यदि आप ड्राइंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे रखा माइनर डायमीटर 24.5 और मेजर डायमीटर 27 और पिच वैल्यू 2.2। सो हमने सभी वैल्यूज़ को दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका पोजीशन बतानी, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करेंगे, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पर या तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं -10 mm। देन मुझे आ जाना है यहाँ पर स्टार्ट एरिया में। यहाँ पर आने के बाद मुझे देना है थ्रेड्स के पैरामीटर्स कि कितना डेप्थ ऑफ कट लेगा, कैसे क्या वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने सभी एरियाज में सिलेक्शन कर लिया है, देन मुझे क्लिक करना है ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे सभी ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, सभी ऑपरेशंस क्रिएट हो गए। आई विश कि आपको चारों ही ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमारा ड्रिलिंग का, देन डीप, सेकेंड वन ड्रिलिंग, आईडी रफिंग, आईडी फिनिशिंग एंड फाइनली ऑपरेशन थ्रेडिंग। सो थैंक यू वेरी मच।